आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शकील। नाजरीन, आज हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसे हमारे मस्जिद को, दारा लोगों को, मस्जिदों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है इस वीडियो से कई सारे इल्जाम बनने वाले हैं। अब इल्जाम क्या बनेंगे और बनाएंगे कौन लोग? वो लोग बनाएंगे जो इस गुनाह में मुलव्विस हैं और ये जुर्म करते हैं। वो तो नहीं बनाएंगे जो इस गुनाह को छोड़कर अच्छे कामों को, अच्छाई को साथ देते हैं। अब कौन ये जुर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। छह मौलवी लोग किसी इलाके के अंदर जाते हैं और वहां से वो पैसे जमा करते हैं, लोगों को कहते हैं कि दारालूम के नाम पे चंदा जो है दिया जाए। अब क्या अच्छी खासियत इस वीडियो की है, क्या इसमें बात है, वो वीडियो हम आपको आखिर में दिखाएंगे। पहले समझिए, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वजह से लोगों को भी बाज आना चाहिए। ये देवबंद से और बरेलवी शरीफ से खबर आई है कि जो मौलवी आपके घर में आते हैं पैसे जमा करने के लिए, तो उसकी वेरिफिकेशन की जाए। जो ये छह मौलवी पकड़े गए हैं तो इनके पास सील और लेटर पैड और जो स्लिप होते हैं वो भी जाली पकड़े गए हैं। अब हम जो अच्छे काम के लिए पैसे देते हैं, हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि पैसा जाता कहां है, जिस मकसद के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं क्या ये पैसा वहां तक पहुंच पाता है, इसकी वेरिफिकेशन हमने कभी की? लेकिन आज के बाद हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी ही पड़ेगी कि ये पैसा वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। जो अच्छे काम के लिए हम पैसे दे रहे हैं, वो जो कुछ मौलवी के रूप में आ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, टोपी लगाई हुई है, मौलवियों के कपड़े लगाए हुए हैं, तो वो अपने घरों में जाके इस पैसे को लगा रहे हैं हमसे लेकर। मैं तमाम मौलवी हजरात को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं उन मौलवियों को ये एक मैसेज देना चाहता हूं जो इस काम में मुलव्वस हैं, इससे बाज आ जाए। और लोगों का यही फर्ज बनता है कि उन मौलवियों को पकड़ा जाए जो इस मौलवी इस काम के अंदर मुलव्विस हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये जो छह लोग आप बैठे दिख रहे हैं, ये लोग फ्रॉड है। मदरसे के चंदे के टाउन पर डुप्लीकेट पावतियां इन्होंने छपाई है और अमरावती शहर के अंदर 8 दिन से तकरीबन 1.5 लाख के करीबन इन्होंने चंदा वसूला है। ये वीडियो इन लोगों के लिए जो बगैर तहकीक के इनको मदरसे के नाम पर टाउन कर देते, अपना सदका ज़कात का माल जो है तो बगैर तहकीक के दे देते। ये जो माल है ये गलत है, ये फ्रॉड लोग है और ये इनके पास में रिकॉर्ड तकरीबन 2017 से के रिकॉर्ड इनके पास में है। अल्लाह जानिए ये कब से कर रहे हैं। ये अपने आप को कश्मीरी बताते हैं, असल में ये कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं है, ये पहाड़ी लोग है। और ये जो है तो इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें जो बीच में बैठा है नीले जैकेट के अंदर वो इनका मेन है और ये सारी सर्कस चलाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम मुल्कों के मुसलमानों से कि ये जहाँ पर भी आए, जहाँ पर भी दिखे, तो इनको जो है तो बायकॉट करो, इनकी तहकीक किया जाए सही तरीके से। अभी अमरावती के अंदर 10 दिन से है, अमरावती शहर के अंदर, और इन्होंने बहुत सारा लोगों को ठगा है चंदे के नाम पर। इनके सारे हमने तहकीक किए तो बूग वगैरह वहाँ कश्मीर से एक साथी को बुलाकर इनकी तहकीक की गई, कश्मीर फ़ोन किया गया तो ये फ्रॉड निकले। कोई ऐसे नाम का कोई मदरसा नहीं है, कोई मदरसे के अंदर बच्चियां नहीं है जो ये बता रहे थे। तो आज हमने इनको पकड़ा है और इनकी वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि लोग जो अपना मेहनत का सदका ज़कात जो है तो माल जो निकालते तो सही जगह उनका नहीं जाता है। तो आइंदा के लिए इनको देने से पहले तहकीक करें और 10 बार सोचे। अगर ये इनको मदरसे का चंदा भी अगर जमा करना है जिस शहर में जाते हैं, अगर ये बरेलवी से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे अमरावती में मिस्किन शाह से परमिशन ली जाए, और देवबंद से ताल्लुक रखते हैं तो अमरावती मरकज साबुनपुरा से तहकीक की जाए। वैसे इनको
चंदा देवमात, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट 8 दिन में इन्होंने 1.5 लाख रुपए कैश है, और इनका ट्रांजेक्शन पर डे, इनके पास 2-3 मोबाइल है, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 5,000, ऐसे कितने पैसे इन्होंने ट्रांसफर कर चुके हैं। जो लगा है माल वो सिर्फ इतना दिख रहा है, ट्रांजेक्शन इनके मोबाइल में बहुत सारा है, बैंक अकाउंट के बड़े बड़े इनके पास अकाउंट खुले हुए हैं, इनके अकाउंटों में बहुत सारे पैसे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आइंदा के लिए अगर कोई आपके पास चंदे के लिए आए तो उसकी पूरी पूरी तहकीक हो। अस्सलाम वालेकुम। ये पूरा उनसे वसूल किया हुआ माल है, ये पावती बनी हुई है, ये पावती कोरियर से जो आती है, क्लोज कर कोरियर वाला भी यहाँ पर इसको ये बनाते हैं, ये कोरियर के अंदर इनको कोरियर से आया है, ये जो पावती वगैरह है शायद गुजरात गुजरात के अंदर बनती है, और ये अपने आप को जम्मू के बूझ के बताते हैं रहने वाले, और ये स्टैम्प वगैरह भी इनके पास में काफी सारे हैं, पूरे रखो स्टैम्प बाय कायदा। और ये भाई, ये जो क्या नाम है तुम्हारा, मुमताज भाई, बोलो आपने क्या किया है। तो सलाम वालेकुम नजीक जी, ये हमसे थोड़ा मदरसे की तरफ से आना हुआ था, ये थोड़ा गलत काम हो गया है, तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमें माफी दी जाए, तो आइंदा के बाद हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। क्या मदरसे वालों ने बोले थे आपको? मदरसे की तरफ से नहीं, ये बोला ये आप ही का है ना किया जी, ये हमने अपनी तरफ से किया है। अच्छा, आप ईमान को नहीं बेचेंगे, तौबा करते हैं जी जी, तौबा अस्तगफार। आइंदा के लिए देखो, आप अल्लाह के नाम पे भीख मांगो वो आपका जाती मसला है, लेकिन मदरसे के नाम पे, दीन के नाम पे उसको बदनामी मत करो। मदरसे जहाँ पे हक का पैसा है वहाँ नहीं पहुँचता है, आप जैसे लुटेरों के पास ही पहुँचता है। ठीक है चाचा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी इतने बुढ़ापे की उम्र हो गई है और आपकी जिंदगी इसमें जा रही है, आखिरत में भी अल्लाह को आपको जवाब देना है। ठीक है, आइंदा के लिए हम आपको बाइज्जत इज्जत से छोड़ रहे हैं, अगर आप जाहिल लोग होते तो आपको जो है तो बहुत मारते, लेकिन हम मारने वाले सजा देने वाले हम नहीं, हम सब लोगों को आगा उछाल कर सकते। आप अल्लाह से तौबा करो। ठीक है, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़, हमेशा सच के साथ।